कोल्हापुर एक एक्साइटिंग सा टाउन है और यहाँ पे करने को बहुत कुछ है लेकिन मेरी एडवाइस अगर आप मानेंगे तो एक जगह ऐसी है जिसे देखे बिना आप कोल्हापुर से ना जाए था आर्किटेक्ट चार्ल्स एटीन द्वारा फोर में और यहाँ पर खास बात अभी ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो डिसेंडेंट हैं श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज वो अभी यहीं पर रहते हैं यानी कि डायरेक्ट ब्लड लाइन तो यहाँ पर आके म्यूजियम में आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें अद्भुत चीज़ें देखने के लिए जो कॉम्पाउंड है म्यूजियम का बहुत ही विशाल है बहुत ही खूबसूरत है मैनिक्योर्ड लॉन्स है लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फाउंटेन खूबसूरत लेक रेस्टलिंग की भी जगह और एक ज़ू तो अंदर चल के जाते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या है क्योंकि आप अपना कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते और हम भी ले जा सकते तो फ़ोन पे भी आप फोटोज़ या वीडियो नहीं निकाल सकते तो वो अब नहीं हो सकता पॉसिबल तो मैं जाके अंदर जाके देखता हूँ कि क्या क्या है और बाहर आ आपको बताता हूँ हिस्ट्री बहुत है इस म्यूजियम में जैसे कि हम गार्डन में खड़े हैं सामने ये है बस्ट महाराज श्री राजा राम छत्रपति हिंदू पद पातशाह का और पीछे है ये पैलेस ब्यूटीफुल गार्डन्स है यहाँ पर स्टनिंग uh, पैलेस है 45 डिग्री पे दीवारें हैं इसकी बहुत ही प्यार से बनाया गया था अंदर बहुत सारे ग्लास वर्कस हैं तो जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले अंदर जाते ही उल्टे हाथ पे आपको दिखेगा एक हाथी और उस पर ट्रेडिशनल सैडल लगा हुआ है एकदम साथ में एक ज़री का पटाखा है जरी की टोपी है जैसे बिल्कुल जैसे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज पहना करते थे तो ये बहुत खूबसूरत एंट्री है पैलेस के अंदर इसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो एक शानदार हॉल आता है दरबार हॉल जहाँ पे खूब सारी कुर्सियाँ लगी हैं और महाराज वहाँ पर लोगों को मिला करते थे फरियादों से बात किया करते थे तो आइए आपको और पैलेस दिखाएं और म्यूजियम के बारे में और कुछ बताएं ख़ास बात यह है आज के कल दशहरा का दिन है और कल ये यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है जब महाराज निकलेंगे तो उनकी उनका जो डिटेल जाएगा गाड़ी में वो कैसे जाएगा तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है पैलेस में एक्शन चल रहा है आ, बहुत एक्साइटमेंट है काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है कल आना चाहिए था लेकिन कल हम कहीं और जा रहे हैं म्यूजियम की एक और बहुत खास बात यहाँ पर पुराने वेपन्स पड़े हैं छत्रपति डायनेस्टी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की उन सब के बहुत खूबसूरत वेपन्स हैं बड़ी बड़ी तलवारें ये बड़ी बड़ी, बड़ी ब्यूटीफुल वेपन्स गन्स और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मॉडर्नाइजेशन शुरू हो जाती है वेपन्स की यानी कि फिर आपको मिल जाएंगे मजल लोडर्स फ्लिंट लॉक्स डबल बैरल्स पिस्टल्स और उससे पहले थी तलवारें स्प्रेस भाले तीर कमान शील्ड्स तो बहुत कुछ है देखने के लिए अंदर वेपन्स मेरी बहुत एक इंटरेस्टिंग uh, uh, मेरा इंटरेस्ट रहा है बहुत वेपन्स के अंदर काश मैं आपको अंदर जाके दिखा सकता लेकिन आप समझ जाइए कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको वेपन्स बहुत अच्छे दिखेंगे बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए इंक्लूडिंग uh, इस पैलेस का बाहर से डिजाइन एटीन सेवनटी में यहाँ पर बहुत बड़ा क्लॉक लगाया गया था और इस टाइम पर आठ दीवारें हैं फोर्टी डिग्री एंगल पे अलाइंड तो बहुत ही यूनिक लुक है राजस्थानी इन्फ्लुएंस है राजवाड़े के इन्फ्लुंस है गुजरात के इन्फ्लुंस है और है ऑफ कोर्स मराठी पैलेस इंग्लिश इन्फ्लुंसिस भी बहुत हैं इसके अंदर तो बहुत यूनिक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अगर आप एक बार चक्कर लगा लेंगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा लेकिन हमारा पेट अभी तक भरा नहीं क्योंकि हम अंदर नहीं जा सके तो आपको लेके चलते कहीं और और चल के देखते कि पेट भरता है कि नहीं भर जाएगा मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ ऐसी जगह कोल्हापुर में नोट पैड निकाला हुआ ना नोट कीजिएगा और ये है वो खास जगह जहाँ मैं आपको लेके आना चाहता था 1965 में राजा भाव ने शुरू करी ये जगह भेल बनाना कोलापुर में और अब उनके उनके बेटे जो हैं जिन्हें कैसे हैं आ, बड़िया, बड़िया, बड़िया अच्छा, अच्छा लग रहा हूँ दुबला।, दुबला, <laughs> दुबला भी नहीं पतला दुबला भी नहीं पतला नहीं तो राजा भाव की एक बार ही खाएंगे उसके बाद और कोई भेल नहीं खाएंगे राजा भाव एक भेल खिलाइए प्लीज बड़ी दूर से आए तो पहले गई मूरी अंदर है सफेद मुड़े जाल मुड़ी लवली उसके बाद सेव हाँ पापड़ी फिर थोड़ी सेव दाल सेंग कटा हुआ प्याज और इमली के इमली खजूर की चटनी और थोड़ा स्पाइसी वाह थोड़ा ज़्यादा बनाइए स्पाइसी हाँ मेरे को ज़्यादा तीखा सा लगता है कोल्हापुरी स्टाइल में तो राजा अभी कितनी दुकान है अपनी हमारे अभी दस बारह दुकान है और ये पहली वाली है क्या हाँ।

कोलापुर कितना प्यार क्यों करता है आपकी फेल को अब जो कोलापुर में पहली भेल अपने पिताजी ने जो शुरू की है उनकी जो जो भेल कर बनाने की स्टाइल है वो जो मटेरियल है वो भी हमने मैं गए गए चालीस साल से यही भेल भेल बना दूँ उनके हाथ के नीचे मैं तैयार हुआ हूँ क्या आप, बात है उनकी जो घड़ी है बेटा है ना उन्होंने वही हम वही चल रहा है वही चल रहा है और आपका एक वो ही स्टाइल हुआ करता था वो हाँ। वो जब भीड़ होती हाँ। है तब निकलता है पिताजी की वजह से मुझे वो बहुत बढ़िया बापू बहुत बढ़िया तो कोल्हापुर आए बापू से मिलें भील पूड़ी बहुत ज़रूरी है कि आप खाएं और ऐसी भेलपुरी पूड़ी आपको कमी मिलेगी एरी है लाइट है बिल्कुल लगता है कि हवा खा रहे हैं बस फ्लेवर वाली और एक से मेरे ख्याल पेट भरने वाला नहीं है तो राजावा अभी एक दो और खाते लेकिन अभी इनके लिए अभी एक ये काफ़ी है साथ में ये मिर्ची मिलती है लेवल ऑफ स्पाइस आप अपने आप एडजस्ट करें और जो टेस्ट है एकदम यूनिक कोलापुरी स्टाइल भेल फ़र्क कुछ खास नहीं है बस सेब का फ़र्क है हर सेब में अपना अपना मसाला है सिंगदाना है वहाँ पर मूंगफली उसमें अपना मसाला यहाँ पर दाल इसमें अपना मसाला जो सेब है उसमें नहीं अपना, नहीं। अपना मसाला और चटनियाँ तो ऑफ़कोर्स हैं ही तो बहुत ही खास भेल मिलजुल के एक बहुत ही शानदार चीज़ तैयार हो जाती है जैसे कि हिंदुस्तान कुछ यहाँ से मिले कुछ वहाँ से मिले कुछ यहाँ से मिले और फाइनल टेस्ट परफेक्ट चलता हाथ दिखता भी नहीं कब के हाथ गया <laughs>